नमस्कार, स्वागत है आपका फिल्मी बीट में। आपके साथ मैं हूँ दीपिका नयाल। बॉलीवुड सिंगर नेहा कक्कड़ इन दिनों बॉयफ्रेंड हिमांशु कोहली के संग ब्रेकअप को लेकर चर्चाओं में है। हिमांशु से ब्रेकअप के बाद नेहा कक्कड़ खुद को खुश रखने की कोशिश करती हुई भी नजर आ रही है। अक्सर नेहा फनी वीडियो और तस्वीरें शेयर करती रहती है, लेकिन इस बीच नेहा ने एक बड़ा खुलासा किया है। जी हाँ, नेहा ने खुलासा किया है कि वो डिप्रेशन में है। ये खबर सुनकर आपको भी यकीन नहीं होगा, लेकिन इस बात की जानकारी खुद नेहा कक्कड़ ने दी है, वो भी अपने फैंस को। नेहा कक्कड़ ने माना है कि वो हिमांशु कोहली से ब्रेकअप के बाद डिप्रेशन में आ चुकी है। अक्सर वो रोती रहती है। दरअसल सभी जानते हैं कि नेहा कक्कड़ हिमांशु कोहली को लेकर काफी सीरियस थी, लेकिन रिश्ते को मुकाम नहीं मिल पाया और दोनों की राह अलग हो गई। साल खत्म होते होते नेहा का ब्रेकअप हो गया और वो डिप्रेशन में चली गई। वही नेहा जो अक्सर हंसती हुई नजर आती है, वही नेहा जिसकी क्यूट स्माइल के सभी दीवाने हैं, जिसकी आवाज को सुनकर हर कोई झूमने लग जाता है, जिसने बॉलीवुड में कई हिट गाने गाए हैं। यही नहीं, वो रियलिटी शो की जज भी रह चुकी है। वही नेहा कक्कड़ आज डिप्रेशन में है और उसकी वजह है उनके बॉयफ्रेंड हिमांशु कोहली, जिनके साथ उनका हाल ही में ब्रेकअप हो गया है और इस बात का खुलासा खुद नेहा कक्कड़ ने किया। दरअसल हिमांशु कोहली के साथ हुए अपने ब्रेकअप के बाद नेहा कक्कड़ पूरी तरह टूट चुकी है और ये निराशा उनके चेहरे से भी साफ तौर पर दिखाई देती है। इतना ही नहीं, ब्रेकअप के बाद नेहा कक्कड़ ने इंस्टाग्राम से वो सारी तस्वीरें भी डिलीट कर दी जिन तस्वीरों में वो हिमांशु कोहली के साथ नजर आती थी। उन्होंने हिमांशु कोहली से अपना रिश्ता तोड़ते हुए उनको इंस्टाग्राम पर भी अनफॉलो कर दिया है। जाहिर तौर पर ये ब्रेकअप नेहा कक्कड़ के लिए जबरदस्त झटका था और इस झटके से नेहा कक्कड़ उभर नहीं पा रही है। नेहा कक्कड़ के डिप्रेशन की जानकारी मिलते ही लगातार फैंस उन्हें दिलासा दे रहे हैं और हिम्मत रखने की बात कह रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि नेहा कक्कड़ डिप्रेशन से जल्द उभरेगी और फिर से संगीत की दुनिया में चांदनी की तरह बिखर जाएगी। खैर, हमारे इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन बाकी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।